वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम बंधन बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो बंधन बैंक स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक ने फ्राइडे के दिन 310 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। तो तकरीबन देखा जाए तो बंधन बैंक स्टॉक की मूवमेंट देखी जाए तो आने वाले वीक में देख सकते हो कि नीचे आता है बंधन बैंक तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 300 लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली सपोर्ट 1 भी है और उसी के साथ यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है और डेली चार्ट पे हमें 200 मूविंग एवरेज है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बंधन बैंक स्टॉक के लिए। तो वह अब तक आता है तो वही पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने के चांसेस दिखाई दे सकता है बंधन बैंक स्टॉक ऊपर के साइड। तो देखा जाए तो 310 लेवल भी पहले से इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब लेवल है, क्योंकि उस लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ले गए थे। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल के लिए मंडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं बंधन बैंक के लिए। तो देख सकते हो जैसे कि बंधन बैंक के लिए यहाँ पे 310 लेवल इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसके ऊपर ओपन होकर उसका सपोर्ट लेता है तो ऊपर देख सकते हो कि 315 लेवल तक जा सकता है बंधन बैंक स्टॉक, क्योंकि 315 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे बंधन बैंक स्टॉक के लिए। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकता है, ऊपर जाता है बंधन बैंक स्टॉक और नीचे आता है 310 को ब्रेक करता है तो नीचे देख सकते हो कि 305 तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 305 भी एक सपोर्टिव लेवल है बंधन बैंक स्टॉक के लिए। 305 को और यहाँ पे 300 लेवल, ये दो ये सपोर्टिव लेवल रहेंगे नीचे आता है तो, और ऊपर जाता है तो 315 और 320 ये दो लेवल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेवल रह सकते हैं यहाँ पे बंधन बैंक स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट बंधन बैंक स्टॉक के लिए।